पॉडकास्ट ऑन लिसिंग एक्सपीरियंसिस वेलकम टू आर न्यू एपिसोड सो वी हैव आर अनदर आइडलाइट जिन्होंने उनका ट्वेल्थ कोर्स कम्प्लीट किया सो लेटर्स वेलकम श्रेयर्स ट्राई फ्राम जलपाईगुड़ी वेस्ट बैंगल सो श्रेयर्स ने हमारा डिसंबर बैच जॉइन किया था आई गेस वो थोड़े लेट आए थे ओके okay, बट उनका एक्चुअल ट्रेनिंग स्टार्टड फ्राम लाइको ऑफिशली जनवरी बैच के साथ एंड इट हैज लाइक ऑलमोस्ट फाइव मंथ्स वो हमारे साथ रहे इन्होंने हमारा पी ए भी कम्प्लीट किया एज वेल एज पी आई एंड देखते हैं कि श्रेयस को क्या क्या चीज़ें सीखने मिला एंड अनु uh, ऐसा क्या क्या चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस किया नो इस कोर्स के दौरान uh, जो उन्हें डिफरेंट लगा ओके okay? एंड कैसे वो ग्रोथ देख पा रहे उनके स्किल्स में नॉट ओनली इन डांसिंग स्किल्स बट आल्सो इन ओवरऑल स्किल्स ओके सो हेलो श्रेयस यस सर ओके सो वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्टो श्रेयस

और मेरे एक छोटा भाई भी था तो देव अप एंड कम्प्लीटेड फ्रॉम आइडल्स सो फ्रॉम देम आई गॉट टू नो अबाउट आइडल्स एंड ऑन दिस ड्यूअल कोर्स ओके बट कोर्स यस सर ही जूनियर ब्रदर ही रिकमेंडेड मी अबाउट दिस कोर्स एंड सर मैंने भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो uh, मैंने जब अपना रिसर्च कंप्लीट किया तो आफ्टर आई वाज सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग तो मैंने डिसीजन लिया कि इस कोर्स को मैं ज्वाइन करूँ ओके सो इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट एग्जैक्टली डिड रिसर्च में आपने ऐसा क्या देखा जो आपको कन्विंसिंग लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स थे uh, मेरे लिस्ट पे बट सर देर वॉज समथिंग जो दैट वॉज स्टक इन माई माइंड सर मैंने जब एज आई वॉज़ रिसर्चिंग सर मैंने देखा कुछ प्रीवियस स्टूडेंट्स के टेस्टमनस और वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे आइडल्स में आके उन्होंने वो इम्प्रोवाइजेशन देखा अपने आप पे पर सर द थिंग दैट टचड मी द मोस्ट वर्स सर एक स्टूडेंट थी उनका नाम था तेजस वो सो so, सर जब मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था तो दैट इनक्रेज मी बिकॉज सर आई टुक अ लॉन्ग गैप फ्रॉम डांसिंग वॉज ऑलमोस्ट लाइक फोर ईयर्स सो फोर ईयर्स इज़ अ वेरी लॉन्ग गैप फॉर अ आर्टिस्ट तो वैन आई सॉ आर पॉडकास्ट इट वॉज़ वेरी सिमिलर टू यू लाइक सर उन्होंने करीब तकरीबन टू ईयर्स के गैप लिया था तो जब उनको आइडल्स के बारे में पता चला और उन्होंने अपने यहाँ का ट्रेनिंग्स एक्सपीरियंस किया और उन्होंने पॉडकास्ट में जो बताया था सो दैट रियली स्टक माई माइंड एंड आई वॉज लाइक इफ शी कैन डू दैन इवन आई कैन डू तो सर दैट पॉडकास्ट रिली टच मी एंड दैट इनक्रेज मी टू कम टू आइडल्स ओके सो पॉडकास्ट के थ्रू और एक स्टूडेंट जर्नी के थ्रू आप भी कन्विंस हुए किस ज्वाइन करना चाहिए सर ठीक है सो so, जब से आपने रजिस्टर किया लाइक जैसे आपने ज्वाइन किया फॉर्दर्स कोर्स तब से लेके अभी तक आपका जर्नी कैसा रहा है एट आइडल्स सर जर्नी बहुत ही अच्छा था बहुत ही ब्यूटिफुल था पर सर बहुत अप्स एंड नवस भी था मेरे लिए स्पेसिफिकली बिकॉज सर आई जस्ट वॉन्ट टू कवर दिस बिफोर बींग एन आर्टिस्ट सर मैं एक पेशेंट भी हूँ तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एज वेल तो सर एज अ डांसर एज एन आर्टिस्ट हम अपने आर्ट से तो प्यार करते हैं ये हमें ओवरकम तो करता है बहुत सारी चीज़ों में पर सर वो जो फोर ईयर्स का गैप हो चुका था तो लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउंस हुए थे और डांसिंग भी नहीं था मेरे लाइफ में तो सर आई वॉज डायग्नोस्ड विथ सीवियर एनजाइटी एंड स्ट्रेस लाइक सर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मी विथ स्लीपिंग पिल्स एंड एवरी थिंग एमरजेंसी पिल्स सो सर वो सब मेरे लाइफ पे था और सर मेरा मेंटल कंडीशन भी स्टेट पे नहीं था लाइक आई वॉज डूइंग एवरी थिंग मैं बहुत कुछ कर रहा था लाइक like, पढ़ाई भी कर रहा था जॉब्स भी कर रहा था बट सर वो मेंटल कंडीशन उतना स्टेट पे नहीं था एंड सर आई यूस टू बी एंशियस जब मैं चलता था रा, रास्ते पे कभी भी मेरे को पैनिक अटैक्स आ जाते थे तो सर uh, वो जो पार्ट मेरे लाइफ में था इट वॉज़ वेरी स्केरी बट थैंकफुली मैंने उसको ओवरकम किया बट सर जब मैं फर्स्ट टाइम uh, बॉम्बे आया था बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने घर को छोरे हुए सर प्रीवियसली मैं बहुत पहले से घर से दूर रहा हूँ लाइक कॉलेज एंड एवरी थिंग के लिए बट सर जब मैं वो डायग्नोस्ड हुआ था तब से लेके मैं घर पे हूँ तो घर मेरा एक शेल्टर जैसा हो गया था तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई पे आया था सर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्टिंग था उस चीज़ को टैकल करना स्पेसिफिकली सर वर uh, टाइम्स जब मैं पी पी के लिए आता था तो सर मेरे को बहुत uh, चीज़ों से इनकाउंटर करना पड़ता था सर इवन टाइम्स कि मैं वो चीज़ किसी को बया नहीं कर पाता था सर बैक इन माई माइंड इट वॉज़ लाइक कि अगर मैं उस चीज़ को बताऊँगा तो कोई ये ना सोच ले कि मैं इसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ मेरे जर्नी पे ये सर ऐसा भी था कि क्या लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे बिकॉज आई वॉज़ डाइग्नोज विद जी ई आर डी एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ सो सर इसे मतलब इफ़ वी रिसर्च अबाउट इट तो ये इंसान को एक्चुअली एंक्शस बना देता है उनकी ईटिंग हैबिट्स पर लाइफ स्टाइल्स पे सर टोटली totally. तो सर इन इंडिया लेकिन यू एस इट्स क्वाइट कॉमन बट इंडिया में भी सर ये अभी डाइग्नोसड हो रहा है मोस्ट ऑफ पीपल हैव दिस तो सर मेरे लिए जब मैं इधर आया था जब मैं जर्नी में आ रहा था पी ए डी पी एंड पी आई टी पी के ऊपर सर स्पेसिफिकली पी ए डी पी पार्ट में मेरा इस चीज़ पर बहुत ही सर अफ़ेक्ट हो रहा था सर मैं uh, बता नहीं पा रहा था किसी को क्योंकि सर जब ये चीज़ डायग्नोस हो गया तो मैं काफ़ी अलून सा हो गया था सर बहुत सारी चीज़ें मैं अपने आप पे रखता था क्योंकि इट वाज यूजलेस चाहे मैं किसी को बताओ तो लोग इसको समझते नहीं थे और सर मेंटल हेल्थ को इंसान बहुत ही लाइटली लेते और इस इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि बहुत कोई को लगता है कि मज़ाक उड़ाएंगे या नहीं समझेंगे या वो पागल है इंसान या कुछ सीवियर चीज़ों से गुजर है पर एक्चुअल में वो इंसान नॉर्मली रहता है इज जस्ट डैट कि उस चीज़ से उसको इतना अफेक्ट होता है उसके लाइफ पे वो चीज़ अफेक्ट होता है तो वो जस्ट इन शॉर्ट ज़्यादा बात नहीं कर पाते बेसिकली एक uh, बोलता एक इनकरेक्ट इमोशनल स्टेट में रहते हैं हम लोग यस सर ओके दैट इज एंड ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ को कोई अभी नो इट्स इट हैज लाइक टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द पास्ट टू थ्री इयर्स एंड मेनी पीपल आर नो टेकिंग ऑन अ सीरियस नोट ठीक है बिकॉज फिजिकली तो आप फिट रहते लेकिन अगर मेंटली अगर फिट नहीं रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा वो सारे सो या प्लीज कीप गोइंग सो सर वही मैं बता रहा था तो एज़ आई वॉज गेटिंग इनटू टू ऑल दिस थिंग्स तो सर मेरा पी डी पी भी चल रहा था तो सर uh, मेरे को बहुत ही प्रॉब्लम्स हुआ था इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्योंकि ऐसा भी टाइम आया था सर जब हम लोग फ्लोर पे थे तो सडनली वो एंग्जाइटी हिट होता था तो आई वॉज़ लाइक लिटिल पैनिक अब मैं क्या करूँ ऐसा सिचुएशन आ गया था बट सर उस टाइम पे मैंने अपने आप को काम रखा तो आई वुड से कमिंग टू आइडियस और एज आई वॉज गोइंग थ्रू द पेड बी जर्नी सो इट रियली हेल्प मी ओवरकम की सर थ्रू आउट दिस प्रोसेस आई वॉज डाइवर्टिंग माई माइंड इन टू डांसिंग फुल्ली सो ये सर डांसिंग रियली हेल्प मी टू ओवरकम दिस डिजीज सो लाइक यू मीन टू से चूज डांस एज अ थेरेपी टू ओवरकम योर प्रॉब्लम एज एनस्टॉक्टर आई हव सीन दट ऑल वैन यूर वैन यू यूज टू रिमेन एबसेंट फॉर सेशन ओके यूज टू कम एंड सीट लाइक आई एम गोइंग थ्रम थ्रू सम इशूज सो आई वोट बी बिंग टू अटेंड द सेशन सो वी यूज टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दट इट्स नॉट दैट यू नो हम एक तरह का ऐसा कुछ बोलते हैं स्ट्रिक्टस फॉलो करते कि आपको आना है या आना है नहीं ठीक है वी एनकरेज स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट इट द सेशन बट ऑब्वियसली कुछ कभी कभी कुछ कंडीशन होता है जिसके कारण वो अटेंड नहीं कर पाते बट आई एम रियली हैप्पी दैट यू चूज टू डिस कंडीशन ऑफ योर्स नो नोके ओपनली थ्रू दिस पॉडकास्ट यस ओके एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि लोग भी समझे कि ये सब चीज़ें क्या है ओके एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल गोइंग थ्रू दिस फेजिज ड मेक अस अब नॉर्मल ओके दिज आर पार्ट ऑफ लाइफ ओके एंड ये चीज़ कभी ना कभी इंसान अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करता है बट इट डिपेंड्स कि पर्सन कैसे यू नो उस चीज़ को टैकल भी करने की कोशिश करता है अंडरस्टैंडिंग हीज और करंट इमोशनल स्टेट एंड हाउ दे यू नो ट्राई टू ओवरकम दो थिंग मेंटली फर्स्ट ठीक है विच यू डिड इट्स ओके वेर यू चोज डांस एज अ थेरेपी टू ओवरकम यू नो टू गेट रीट ऑफ दैट प्रॉब्लम ओके आई होप एवरी थिंग इज वेल फॉर यू नो ये बिकॉज इन दिस पास वन मंथ है ना ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई हैव सीन लाइक यू नो यू यू परफॉर्मिंग रेली वेल with so much dedication and efforts okay so uh wait I can like somewhere I know I guess you have come out of that problem and uh you're really focused on uh, what you really want to do yes sir okay so uh shares uh you know I would like to discuss many more things like you know uh how did you uh, know padp and pitp right okay uh helped in nurturing your skills as a dancer सेट yes. well you know, जो काफ़ी ज़रूरी है डांस आर्टिस्ट को सीखने के लिए सर yeah. uh, सबसे पहले सर जब एक इंस्टीट्यूट uh, या कोई भी अकेडमी सर जब वो स्टूडेंट्स पे प्रायोरिटाइज करता है या फोकस्ड करता है तो सर तभी से हमको पता चलता है कि सर वो इंस्टीट्यूट का मेन फोकस क्या है या फिर वो क्या करना चाह रहे स्टूडेंट्स के ऊपर सर देर आर मैनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट बट सर आइडल्स को यूनिकली क्या बनाता है सर बिकॉज आइडल्स स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को हेल्प करता है नरिशमेंट के लिए सर आई डोंट वॉन्ट टू कंपेयर बट एज पर माई एक्सपीरियंस सर द डेव बिन टू आइडल स्टिल नाउ सर इन पी ए डी पी देर आर वेरियस इंस्टीट्यूट जो डिफरेंट स्टाइल्स सर डिफरेंट जेंडर सर डिफरेंट चीज़ों के बारे में सिखाते हैं बट सर आइडल्स में सबसे खास चीज़ क्या है कि सर यूनिकली इसको मतलब सर स्टूडेंट्स uh, को इंटरेक्ट करके सिखाया जाता है सर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एक बैच पे बहुत भीड़ हो तो कभी कभार क्या होता है सर कुछ चीज़ें को कुछ स्टूडेंट्स को मिस आउट हो जाता है या किसी को नोटिस नहीं करते बट सर आइडल्स ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स को नोटिस करते हैं इन स्पेसिफिकली मी इन पी डी पी सर मेरे को अभी भी याद था मैं आपसे इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ मेरा हाउस सेशन पे सर uh, वो चीज़ मेरे लिए बहुत टफ़ था सर uh, मेरे को मैंने कभी भी हाउस को इस तरीके से ट्रेन नहीं किया था तो सर uh, उस टाइम पर uh, मेरा आपके साथ जो इनकाउंटर हुआ था सर इट वॉज़ वेरी नाइस एज़ वेल एज़ इट वॉज़ वेरी सर मेरे लिए चैलेंजिंग भी था टेरीफाइंग भी था थोड़ा बट सर मैंने आपने मेरे को कभी ऐसा फील नहीं करवाया कि आई एम बिंग इग्नोर्ड सर देवर्ड टाइम्स कि मेरे को बिकॉज सर वो एनजाइटी भी था तो देवर्ड टाइम्स कि जब आप बोलते थे कि इसको करेक्ट करना है तो मेरे को और ओवर थिंक होता था एक नॉर्मल पर्सन जितना थिंक करता है मेरे को उससे ज़्यादा ओवर थिंक होता था बट सर मैंने उसको पॉजिटिवली लिया मैंने कभी उसको नेगेटिवली नहीं लिया माइट बी बिकॉज सर आई एम अ पॉजिटिव पर्सन फ्रॉम द वेरी एंड Uh, मैं बहुत कम चीज़ों को नेगेटिव लेता हूँ uh, तो सर उस चीज़ को मैंने एक पॉजिटिव वे में टैकल किया सर आइडल्स पी ए डी पी एज़ वेल एज़ पी आई टी पी में दोनों पे इस तरीके से फोकस करता है ताकि एक स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सर नॉट जस्ट इन डांसिंग स्किल्स बट सर अपार्ट फ्रॉम डांसिंग एज एन आर्टिस्ट अगर हम देखें इस जनरेशन पे सर सर्वाइवल करना बहुत इम्पोर्टेंट है सर उसके साथ साथ सर हम और क्या क्या चीज़ कर सकते हैं लाइक सर मार्केटिंग हो गया सर डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हो गया लाइक टॉकिंग विथ पीपल पब्लिक रिलेशन हो गया सर यू नो हम अपने आप को प्रजेंट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब इंस्टाग्राम सर सोशल मीडिया हो गया सर वेरियस थिंगस इन आइडल्स सर मैं जितना भी सर uh, एक लाइन है कि जितना भी तारीफ करो कम है सर सो so, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है एंड आई जस्ट वॉन्ट टू लेट एवरीबडी नो थ्रू दिस पॉडकास्ट दैट इफ़ यू आर deciding to take forward your dancing career into another journey, then I would suggest that Idols is one of the best institutes in India. So uh, ka, like I have taken major decisions in my life. Uh, even sir, uh, when my dad passed away, there were several decisions that I had to take. So out of them, this one would be the most you know so beautiful decision with zero regrets. येस सर देर आर चैलेंजेस देर आर ऑबस्टेकल्स लाइक वी ऑल गो थ्रू ऑब्सटेकल सर मी as अ पेशेंट डायग्नोज विथ पेशेंट एंड सर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो चीज़ लाइक सर लॉन्ग टाइम था जस्ट में डायग्नोस्ट हुआ था सर टू थ्री मंथ्स पर मैं वो डॉक्टर्स विजिट इनऑल जा रहा था सर तभी वो uh, एक uh, मैंने एक पोस्टर देखा सर नवंबर का ऑफर चल रहा था तो so, मैंने रजिस्टर किया तो देन एंड देन मैं आ गया तो सर मैंने कुछ इधर उधर सोचा नहीं मैं मेरे को इन माय माइंड सेट इट वाज लाइक कि मेरे को जाना है आई हैव टू गो एंड आई सी एंड एक्सपीरियंस इट तो सर एज सुन एज आई केम बैक आई केम बैक टू आईड इन मुंबई प्रॉब्लम्स तो था सर बट वो जो जर्नी पे मैं जा रहा था ना सर स्पेशली इन पी एंड पी आई सर आई कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स सर नॉट जस्ट इन माई डांसिंग स्किल्स बट सर अगर मैं अपने आप को सर आई हैव बीन हियर फॉर सिक्स मंथ्स नाउ सर सिक्स मंथ्स पहले अगर मैं अपने आप को देखता हूँ और अभी अगर मैं अपने आप को देखता हूँ सिक्स मंथ्स बाद सर मैं अपने आप को एक मेजर इम्प्रूवमेंट में देखता हूँ स्पेसिफिकली सर मी एज अ डांसर लाइक अ फ्री स्टाइल डांसर तो आई डि लॉट ऑफ फ्री स्टाइल्स बट बिकॉज ऑफ दैट लॉन्ग गैप सर मेरा होता है ना बॉडी से एकदम सब कुछ चला गया था बट मेरा आई केम यर सर वो जो ट्रेनिंग Procedures and then my own personal training. Sir, so I've seen drastic improvements. Sir, so I don't think anyone would say that this guy is dancing for six months. So that's what I have uh, got comments from people like, you have changed a lot in six months. So, all thanks to idols. Uh, I feel really great listening to this okay, because uh, as an instructor, it makes me happy that I don't know like our purpose is somewhere getting served okay, so like uh students are able to see growth in their dancing skills okay not in the only not only in their dancing skills but also those extra skills you know which we are trying to teach them through p i t b yes, because we want them to learn like how they can you know uh build a successful career in this field okay so uh that can be achieved uh not only through your dancing skills but also uh what I meant is like you know it can not only be achieved uh just your dancing skills, but you also need to you know nurture yourself with that extra skills, important skills yes. that can help you, you know uh, uh, to go in that journey or take you to that uh, to that goal of yours. Yes, okay. So uh, I'm happy to know that you are able to see that improvement. Yes, okay. And uh, thank you for uh, considering idols as one of the best institute here in India. Okay. okay. And uh, yes. I hope that uh, no, uh, Whatever you have learned, okay, in, through these courses, you know, you keep on applying them on a regular basis, so that you know over the time period you keep on uh, uh, you keep on seeing growth in yourself, okay. And uh, there are many things, you know, uh, but due to just time constraint, I have to quickly move forward to our next question. So, uh like you mentioned about the P.E.D.P and P.I.D.P, right? So I want to I want to ask you about the teaching methodology of idols as well as you have experienced it. I know in this past six months. Okay, so, uh from your like, our teaching methodology and like you have experienced training under different different instructors, not only me, but Killer Chop Sir, Mix62, and even master classes which you attended and under Kartik Pradesh, and Aryan Sharma, Aghina shangwani So, how did you find the training methodology of idols? Can you elaborate on that? Yes, sir. Uh, I would just like to cover on this part, sir. Uh कमिंग बैक टू द ट्रेनिंग प्रोसीडियर एंड द प्रोसेस सर यहाँ पर बहुत इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है सर ऑल दी फैकल्टीज देर आर प्रजेंट हर सर दे आर वेरी स्किलफुल सर समाइम्स क्या होता है कि वी इफ़ यू चेक डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स सर समाइम्स वी इनकाउंटर नॉन एक्सपीरियंस फैकल्टीज और सर ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक स्टूडेंट का जो सेटिसफेक्शन होता है लाइक इफ़ देर कमिंग लिविंग देर होम टाउन कमिंग टू मुंबई एंड इन्वेस्टिंग इन समथिंग सर वो जो सेल्फ सेटिस्फ़ैक्शन चाहिए होता है वो मिलता नहीं है बट सर इन आइडल्स इफ़ आई टॉक अबाउट दी ट्रेनिंग प्रोसीडियर सर जितने भी फैकल्टीज है सर यू इंक्लूडिंग मिक्सर किलाउ चौक सर एवरीबडी सर इवेन ऑल दी मास्टर क्लासेज है जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो बहुत प्रिसाइजली विथ प्रिसन सर वो हमें एक्सप्लेन करते है. कि हम किस तरीके से मूवमेंट्स को जस्टिफाई करें किस तरह हम अपने आप को एक स्किलफुल डांसर बनाए सर सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को लगा यहाँ पर यहाँ पर सर हमें कोई कई भी कंडीशन अप्लाई नहीं करते सर लाइक like, हम देखते कि बहुत सारे जगहों पर हम लोग को एक कंडीशन डांसर बनाता है बट इन आइडल्स वट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली सर डोंट ट्रेन डांसर्स टू बी कंडीशन सर दे ट्रेन डांसर्स टू यू नो फ्लाई एंड एग्जीक्यूट और यू नो एक्सपीरियंस योर ओन जर्नी सर येस ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ डांसर लाइक नोइंग अबाउट हिप हॉप हाउस यू नो लॉकिंग पॉपिंग दिस थिंग्स आर वेरी बेसिक एंड नेसेसरी टू लर्न बट सर जब ट्रेनिंग प्रोसीडियर होता है सर वो ऐसे नहीं सिखाते कि तुमको ये आपको किसी चीज़ पर कंडीशन आना है इट्स लाइक यू लर्न इट लर्न एवरी थिंग एंड देन यू experience what styles you want to take forward and then you we, can, we are there to help you to nourish you sir uh, me as a sir animation artist or kamper artist sir I've always told you ki, sir these things i want to take forward Sir, you've always encouraged me that yes it suits good in you and you can take it forward sir your training procedure is like students ko observe but since day one sir सिंस डे वन जब एक स्टूडेंट आइडल्स पे एंटर करता है सर आप इंस्टेंटली उसको आइडेंटिफाई कर देते हो एंड सर आई नेवर फेल्ट लोनली बिकॉज फॉर मी इट वॉज लिटिल बट शॉकिंग ऑल्सो सरप्राइजिंग सो वेन आई एंटर इन द फ्लोर द फर्स्ट डे सर यू न्यू एवरीबडी इज़ नेम दैट वॉज लाइक अ सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटी दैट इज़ इनसाइड यू नॉट सुपर ह्यूमन लाइक इमेंटर ठीक yes, यस मैं फर्स्ट सेशन में ग्राप कर लेता हूँ uh, एक वो एक है मेरा ऐसा बोल सकते हो बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू नो नो योर स्टूडेंट्स ओके वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टीचर है फॉरमोस्ट थिंग एक टीचर को पता रहना चाहिए ठीक है सो दैट यू गेट टू यू नो अंडरस्टैंड देम यू नो इन अ वेरी डिटेल मैनर जब भी आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो समझ मार रहे हो एंड दैट इज़ वेरी एसेंशियल ड्यूरिंग ट्रेनिंग बिकॉज Uh, हमारा ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सिखा के चले जाएंगे एंड स्टूडेंट्स को देखेंगे ओके दिस नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस विच वी फॉलो यूर ओके वी आर रियली यू नो फोक ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड वी एनश्योर देट जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं नॉट फिफ्टी सिक्सटी परसेंट लेकिन एटलीस्ट थर्टी परसेंट तो ग्रोथ थर्टी फोर्टी परसेंट का ग्रोथ यू नो नो देख दे 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 so, you know, okay? के जब आई द एंड ऑफ दी कोर्स ओके ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा हो सकता है गिवन दैट वो मेहनत कर रहे कि नहीं उतना सो दैट्स आर अल्टीमेट नो गोल ओके एंड हम वो गोल अचीव करने के लिए हम भी मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स भी उतना प्रैक्टिस मेहनत कराते हैं ओके सो दैट स्टूडेंट अंडर रियलाइज कर कि आपका हार्डवर्क डिटर्मिनेशन कितना जरूरी है डेडिकेशन कितना जरूरी है उस चीज़ को नो अचीव करने के लिए ओके एंड दिस मेक्स सर सैटिसफाइड द इंस्ट्रक्टर ओके स्टूडेंट्स से ज़्यादा एज अ टीचर यू नो हमें ज़्यादा सैटिस्फाइड होना जरूरी है कि हमने अपना बेस्ट दिया है क्या नहीं ठीक है सो दिस इज़ दी ट्रेनिंग प्रैक्टिस विच आई टीचिंग प्रैक्टिस विच आई फॉलो सो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग यू नो दोज थिंग्स विच यू मैं अबाउट दू नो टीचिंग मेथोलॉजी एंड फर्स्ट ऑफ आल थैंक यू सो मच फॉर नो ट्रस्टिंग आर मैथर्ड एज वेल okay So thank and you actually thanks so much sir uh so coming to the last part of our podcast okay since you have experienced so much uh, so many things here right okay not only like your dance training sessions pitp but also career counseling all those all those kind of sessions even health and nutrition yes sir. okay so according to you okay uh, how much important is this course for the dancers of today's generation and how it can help them, you know, uh, in preparing to achieve their goals which they have set in this field. Uh, sir, health and nutrition and sir, uh, everything everything's we have learnt, pdp PITP Sir, jo specifically and specifically a course, dual course. So I would say it's very important for dancers in today's generation. Because in this course, sir, it's like different thing, sir. It's unique in its own way, sir. Uh, it's it's an of institute offered by idols, in its own unique way, and it has its own unique features, which I think no institute can provide. Sir, as for what I have seen, not only in myself, sir, since the day I arrived, from day one till now, sir, I have seen myself and my batchmates, and other students grow equally, sir.

क्योंकि आइडल्स में सर नॉट जस्ट डांसिंग सर जस्ट बिकॉज द कोर्स हैज डांसिंग फैसिलिटीज इट डजेंट मीन कि सिर्फ डांस में ही फोकस किया जाता है सर देर आर डिफरेंट स्किल सेट्स दर आई हेव मैंशन सो फार सर मार्केटिंग हो गया पब्लिक रिलेशनस हो गया सर यू you नो know, अपने आप को प्रोमोट कैसे करें डिजिटली सर हाउ कैन वी सोशलाइज विद पीपल सर एवरी थिंग किस तरीके से हम अपने रेज्यूमे से पोर्टफोलियो तक प्रोफेशनली बनाए सर दीज आर जस्ट स्मॉल पॉइंट्स टू हाई लाइट बट एक्चुअल में अगर हम बात करें सर इसको आ, सर प्रैक्टिकली बताना बहुत इजी है पर सर जब आपने हमको इस चीज़ को थियोरेटिकली जाने को सर आपने चैलेंज किया और जब हमने इसको एक्सेप्ट किया और जो एज हम जिस प्रोसेस पे जा रहे थे सर वो एक रियलाइजेशन होता है जो मैंने आपको शेयर भी किया था सर होता है ना कि हम इंसान लर्निंग नहीं करना चाहते स्पेसिफिकली इन टू जनरेशन नो बडी वेरी फ्यू पीपल वांट्स टू लर्न बट सर थ्रू दिस कोर्स आई हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू लर्न मोर। सर प्रीवियसली आई हैड दैट माइंड सेट कि यू नो दिस मच नॉलेज और दिस मच इज़ इनफ फॉर मी बिकॉज सर एक कोटेशन आता है नॉलेज इज पेन टू मच नॉलेज इज डेंजरस बट सर उस चक्कर पे आई फॉगआउट हाउ टू लर्न थिंगस बट सर जब मैं इधर आया जब मैंने एक्सपीरियंस किया उसको स्पेसिफिकली इन पी आई टी पी सर एक होता है ना एज आ स्टूडेंट यस सर मेरा वो प्रॉब्लम्स था हेल्थ प्रॉब्लम्स था बट सर मैंने उसको एक चैलेंजिंग वे पे एक्सेप्ट किया कि यस आई हैव टू डू इट एनी हाउ सर प्रॉब्लम्स थी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था इवन सर आई हैव रोटेट इन रिव्यूज बट सर जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया एंड वन आई डिसाइडेड टू हैव टू लर्न सर दैट चेंज एवरी थिंग सर मैंने वो एक्सपीरियंस किया अंदर फ्रॉम डीप विद इन सो आई थिंक सर आई डोंट थिंक सर एनी वर्स इन इंडिया और इन एनी अदर इंस्टीट्यूट वो इस चीज़ को प्राइटराइज़ करते हैं सर जो चीज़ हमने पी आई टी पी में एक्सपीरियंस किया जब हम लोग जर्नी पे जा रहे थे सर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेंट शूट कर रहे थे सर अप्रूव और भी हो रहा था रिजेक्ट्स भी हो रहा था सर माइंड सेट पर आ भी रहा था क्यों रिजेक्ट्स हो रहा है क्या वर्क करना है इस पर सर बता है ना अभी भी मेरे को एक चीज़ याद है सर मैंने एक कॉन्टेंट लेके आया था आपके पास और आपने मेरे को एक चीज़ बताया था कि श्रेय एज एन आर्टिस्ट जब आपने वो कॉन्टेंट लिखा था तो आपने बोला विल यू बी सेटिस्फाइड एट दी एंड ऑफ द डे सर तो उस चीज़ मेरा माइंड पे लाइक टू आवर्स कंटिन्यू रोटेट हो रहा था ये चीज़ लाइक विल यू बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे देन आई गॉट बैक होम सर आई वर्क ऑन इट एंड देन आई थॉट फॉर टू थ्री आवर्स देन केम बैक अगेन एंड सर फिर मैंने आपको वो चीज़ बताया एंड देन इट कॉट अप्रूव सो जितना मेरा लिमिट था जितना मेरा कैपेसिटी था मे हाउ मच कैपेबल आई एम सर उससे आपने मेरे को सर टू एक्स आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि नो यू कैन पुश योर सेल्फ मोर एंड यू कैन कम अप विथ समथिंग एल्स सर ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया इस कोर्स पे सर आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड स्पेशली इन टू डेज and i don't think so, sir. people want to go through this procedure. sir, specifically in today's time, people have failed to understand the process of training. how much important training and learning is. sir, i think other students and ev i think I, I consider we all are students. every day we learn. but, sir, when we don't try to learn things, sir, it takes us backwards and slowly will diminish. so i think sir, idols how can we learn? and that's what it makes important in today's generation. Uh, that's great to know, sir, that you uh, highlighted the importance of learning through your answers. Okay, that's why it is really important that people, uh, you know, uh, like actually what you have said is right, you know, many people are, Looking, uh, you know, to achieve things in a very, uh you know, you know, fast and manner, fast and manner. Okay, they really want to, you know, they quickly want to become an influencer. They quickly want to, you know, uh, get famous on Instagram. Okay, and through these things, they have actually lost the touch with learning yes, or training. Okay, they just want to quickly upload uh, a short reel and get famous. Uh, thinking those things will, you know, eventually take them to success and fame, but over the time period they will, you know, regret doing those things. Okay, thinking that, you know, I should have invested time in learning, upgrading myself as an artist. Okay, so that I could have come up with more and much better content. Okay, so I hope, uh, you know, through this podcast, you know, people get enlightened uh, towards the importance of learning. Okay, why, you know, uh, you have to, you know. Uh, always keep considering yourself as a student of life and keep learning things, That's rather than uh, considering yourself as a person who knows everything. Yes. Uh, okay, so uh, it was really great, uh, you know, uh, to speak with you through this in this podcast. You know, yes. I got to know many things. Okay, I got an awareness about your condition and you mentioned, you know, yes. uh, where you've openly discussed about those things, and I, you know, really appreciate those things and. Uh, also got to know uh, many things are like how dance became a savior for you. Yes. Sir. Okay. So uh, I just want to wish you all the best, cheers. Thank you. Okay. Sir. I hope you will keep continuing what you have been doing. Yes. Okay. Uh, you have worked excellently, you know, uh, in your internship. Okay. You have come up with some great content ideas. Okay. And you have executed it properly as well. Thank. Okay. I just want to see more of it, and eventually uh, one day I will see you. You know, uh, like. Uh, on a great platform thank you sir. okay uh, and i just want to wish you all the best thank you sir. Okay. and thank you once again for having your trust and faith in idols okay it really means a lot to me and to my entire team okay thank you once again and wish you all the best thank you sir.